सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है। शनिवार को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची है और क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। इस मौके पर सुशांत के कुक नीरज, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी और दोस्त दीपेश सावंत भी सीबीआई के साथ हैं। सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली उनकी पड़ोसी महिला पहली बार शनिवार को मीडिया के सामने आई। उन्होंने कहा, सुशांत के घर की लाइट 13 जून को 10:30 से 11 बजे के बीच अचानक बंद हो गई थी। ऐसा अमूमन नहीं होता था क्योंकि वो देर रात तक जागते थे, लेकिन उस दिन किचन की लाइट को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स जल्दी बंद हो गई थी। पड़ोसी महिला ने इसके साथ ही ये भी दावा किया है कि 13 जून को सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी। महिला का कहना है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि 13 जून को सुशांत के घर में पार्टी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महिला का कहना है कि लाइट्स का बंद होना जरूर मामले में संदेह पैदा करता है कि ऐसा क्यों हुआ था। इसकी लाइट जो है 10:30 to 11 सब बंद कर दी गई थी, सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमें कभी लाइट समय तक जाता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी की, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जाहिर तौर पर पड़ोसी महिला के खुलासे ने सुशांत की मौत की गुत्थी में नया ट्विस्ट ला दिया है। हालांकि ये खबर पहले भी आ चुकी है कि 13 जून की रात सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी। सुशांत के हाउस हेल्प भी बता चुके हैं कि 13 जून को ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर जब घर में हर किसी को देर रात तक जगने की आदत थी, तो उस रात जल्दी लाइट्स ऑफ क्यों हो गईं? सुशांत के साथ 13 जून को घर में उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी भी थे। कुक नीरज और हाउस हेल्प केशव पहले ही बता चुके हैं कि 14 जून की सुबह सिद्धार्थ पठानी हर दिन की तरह देर से करीब 9 बजे जगे थे। सुशांत ने सुबह जगकर नीरज से पानी मांगा था, केशव से मांगकर जूस पिया था और फिर अपने कमरे में चले गए थे। देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर जब चाबी वाले को बुलाकर सुशांत के बेडरूम का दरवाजा खुलवाया गया तो सिद्धार्थ पठानी वहां मौजूद थे। पठानी ने ही सुशांत की बहन नीतू को फोन किया था। शनिवार सुबह से ही सीबीआई सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पूछताछ में पठानी से ये भी पूछा है कि 13 जून की रात को घर में कौन कौन था और क्या क्या हुआ था। हालांकि पठानी ने इन सवालों का क्या जवाब दिया है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। सीबीआई शनिवार को कुक नीरज से दोबारा पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा सुशांत के दोस्त दीपेश सावंत से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई इन तीनों को लेकर सुशांत के घर पहुंची है, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है और डमी टेस्ट भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।